मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको मौसम के हवाले से खबर दिखा देते हैं। आपको बताते चले कि मौसम की भविष्यवाणी लगभग आप देखिए किस तरह से सच साबित हो रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम ने एक बार फिर से करंट बदला शुरू कर दिया है और जम्मू में रैन बसेरों की व्यवस्था पर प्रशासन ने यहाँ पर चुप्पी साध ली है। शीतलहर पर पहुंचने से लोगों को अब आप देखिए कांपने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट मौसम के हवाले से आप देख रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी की गई थी कि 13 जनवरी तक यहां पर मौसम जो है वो खराब रहेगा। पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी हो सकती है, मैदानी इलाकों के अंदर बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है और उसी को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम के अंदर बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जम्मू में रैन बसेरों की अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था होती हुई नजर नहीं आई है। शीतलहर चरम पर है, लोगों को आप देखिए किस तरह से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जहां पर रैन बसेरों की व्यवस्था होनी चाहिए थी वहां पर मुकम्मल तरीके से ये काम नहीं किया गया है। इस तरह से आम लोगों की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं। हर बार यहां रैन बसेरे स्थापित करने की बात तो कही जाती है, लेकिन जम्मू के अंदर कश्मीर के अंदर किस तरह से रैन बसेरों को लेकर काम किया जाता है ये बड़ा सवाल बन रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो दावा पेश किया गया है उस दावे में कितनी सच्चाई है इसी पर जानकारी भी लेंगे। लेकिन इस वक्त साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे इलाकों को यहाँ कोहरे और धुंध ने अपनी चपेट में ले लिया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना इस ठंड की वजह से करना पड़ रहा है। ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, किस तरह से इस वक्त आप देखिए ठंड है लेकिन रैन बसेरों की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि प्रशासनिक इंतजाम की अगर मैं बात करूं, रेलवे स्टेशन पे जो वेटिंग एरियाज हैं वहां पे यात्रियों को बैठने की सुविधा का इंतजाम किया गया है। और उसके अलावा अगर मैं जम्मू की बात करना चाहूंगी, जो रैन बसेरे हैं, जो सड़क के किनारे लोग होते हैं उनको लेके कोई भी इंतजाम हमें देखने को नहीं मिले, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़क के किनारे कंपकंपाती सर्दी में नजर आते हैं। दिन रात जो है वो कहीं पे भी थोड़ा सा आसरा देके बस जाते हैं, जिनके लिए रैन बसेरे की सुविधा का अभाव वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और जो लगातार तापमान गिरता जा रहा है जिसके चलते आने वाले समय में समस्याएं जरूर हो सकती है, खासकर वेहिकुलर मूवमेंट को समस्या हो सकती है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में बारिश के आसार भी बताए गए हैं और हल्की से मध्यम तक की जो बर्फबारी है वो भी बताई गई है। और उसके साथ साथ अगर ऋतिका यहाँ पर बात की जाए, पूरे देश के अंदर आप देखिए कि अलग अलग सरकारें किस तरह से रैन बसेरों को लेकर काम कर रही हैं, लोगों के रहने की व्यवस्था की जा रही है, उन्हें कंबल दिए जा रहे हैं, ऐसी ही एक तस्वीर देखने को जरूर मिली थी, लेकिन रैन बसेरों को स्थापित करना बहुत जरूरी था। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पहले भी अलग अलग स्थानों पर रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती थी, परंतु कुछ एक समय पहले हमारी जब व्यक्तियों से बात हुई जिनके लिए वो रैन बसेरे बनाए जाते हैं, उनका यही कहना था कि जम्मू में जो अलग अलग स्थानों पर रैन बसेरे हैं वो उनसे पैसे मांगते थे अलग अलग सामान को मंगवाने के लिए, रहने के लिए। तो वो कहते थे हमारे पास अगर पैसे होते तो हम रैन बसेरे पे जाते ही क्यों, इसीलिए उन्होंने सड़क पे रहना ही प्रेफर किया। और इस बार कहीं ना कहीं अभाव मिला है इस चीज को लेके, क्योंकि अभी भी लगातार लोग ठंड की मार को झेल रहे हैं और सड़क के किनारे बैठने पे मजबूर है। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि रैन बसेरे को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है, लोग यहाँ पर काफी तरीके से ठंड में रहने को मजबूर हो रहे हैं और लोगों का यह भी कहना है कि जो रैन बसेरे बनाए गए हैं वहां पर पैसे वसूले जा रहे हैं, इन लोगों पर संज्ञान लेने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको पुंछ लिए चलते हैं और गणतंत्र दिवस के मौके पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद कर दी गई है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुंछ और राजौरी के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। पीर पंचाल के जिलों में यहाँ अधिक चौकसी बरती जा रही है और जम्मू पुंछ हाईवे, सुरनकोट और पुंछ में यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने भी यहाँ गश्त बढ़ा दी है और आपको ये बताते चले कि अतिरिक्त कंपनियों को यहाँ पर तैनात जरूर किया गया था जिला राजौरी के अंदर, लेकिन इस बीच में अगर पुंछ की बात करें तो सीमावर्ती इलाका है और पुंछ एक ऐसा जिला जो कि अंतिम जिला है जम्मू संभाग का और उसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है, लेकिन इस बीच में पुंछ के अंदर अब सिक्योरिटी को किस तरह से यहाँ पर आप देखिए हाई अलर्ट पर तो रखा ही गया है, लेकिन चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखी गई है। रात की भी तस्वीर आप देख रहे हैं और दिन के उजाले की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। पुंछ में आप देखिए यहाँ पर किस तरह से रात के समय में भी गहनता से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और सुरनकोट के अंदर भी तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो मुकम्मल तरीके से यहाँ जब सवाल जो है वो उठ रहे थे कि क्या रात के समय में और दिन के समय में दोनों समय में यहाँ पर
अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं या नहीं, और उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। पुंछ में भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, चाहे वो रात का समय हो या फिर दिन का समय। और ऐसी ही तस्वीर सुरनकोट से भी आप देख रहे हैं, जहां पर गहनता से तलाशी अभियान और पूरे इलाके को खंगालने का काम भी किया जा रहा है, पेट्रोलिंग वहां पर हो रही है। और इसी तरह से सीमावर्ती इलाकों के अंदर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि इनपुट के आधार पर अगर बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से खबर ये भी थी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर भी हलचल जो है वो हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो माकूल जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। उसी का जीता जागता नमूना आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सनी हमारे संवाददाता पुंछ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, जिस तरह से सीमावर्ती इलाका है और राजौरी के अंदर जो घटनाएं पेश आई हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक चुनौती के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही हैं। जी बिल्कुल आशा, आपको बता दूं कि जिस तरह से राजौरी के अंदर आतंकी हमला हुआ जिसमें कुछ लोगों की जो है वो मौत हुई, उसके बाद 26 जनवरी भी पास आने वाली है, उसको देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पहले से ही अलर्ट नजर आ रही हैं। जगह जगह पर जो है वो नाकाबंदी जो है वो की जा रही है। जितने भी वाहन बाहर से पुंछ में आ रहे हैं या पुंछ से बाहर जा रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से जो है वो खंगाला जा रहा है, उसके बाद ही गाड़ियों को पुंछ में आने की जो है वो इजाजत दी जा रही है। देखा जा रहा है कि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह पर जो है वो नाकाबंदी कर रही है, उसी को देखते हुए लोग भी पूरा सहयोग जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को दे रहे हैं। जिस तरह से लोगों को गाड़ियों से उतार कर जो है उनके कार्ड चेक किए जा रहे हैं, देखा जाता था कि लोग जो है कई अगर सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें चेक करती थी तो लोगों का लोग बहुत परेशान होते थे, पर अब ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। जिस तरह से राजौरी में हमला हुआ है उसको देखते हुए लोग भी पुलिस और सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के जो है वो खड़े हैं, और जिस तरह से कुछ जवानों को जो राजौरी पुंछ में तैनात किया गया है वो भी देखा जा रहा है कि जगह जगह पर जो है वो गश्त करते नजर आ रहे हैं। सुरनकोट हो, मैंडर हो, पुंछ हो या राजौरी हो, इन इलाकों में सेना के जवान जो है वो गश्त करते नजर आ रहे हैं, और लोग भी जो सेना के जवान है उनका पूरा सहयोग जो है वो कर रहे हैं। जिस तरह से सेना के जवान जगह जगह पर चेकिंग कर रहे हैं उससे लोग भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लोगों को ये पहले डर था कि जिस तरह से राजौरी के अंदर हमला हुआ है इस तरह का पुंछ या सुरनकोट इन इलाकों में ना हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिला के इस समय पुंछ के लोग भी खड़े हैं। और ये बहुत जरूरी भी था सनी कि सहयोग आम जनता का यहाँ पर मिले और देखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सनी जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि पुंछ से हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि सुरनकोट और पुंछ के अंदर किस तरह से अभियान जो है वो चलाया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो जिला राजौरी के अंदर घटना देखने को मिली है, उसके बाद आम जनता का सहयोग भी सेना, सुरक्षा बल और पुलिस को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको किश्तवाड़ लिए चलते हैं और सिंथन मार्ग को खोलने की जिस तरह से मांग उठ रही है वो आपको दिखा देते हैं। आपको बताते चले कि जिला किश्तवाड़ से इस वक्त बड़ी अपडेट, किश्तवाड़ सिंथन मार्ग पर इसी महीने यातायात को बहाल करने की मुहिम जो है वो तेज होती जा रही है। भारी हिमपात से 29 दिसंबर से ये कश्मीर का वैकल्पिक मार्ग बंद है। सड़क मार्ग से बर्फ हटाने के लिए यहाँ पर एजेंसियां जो है वो जुटी हुई हैं। आमतौर पर अप्रैल महीने में ये किश्तवाड़ सिंथन सड़क मार्ग खुलता है, लेकिन उससे पहले ही इसे खोलने की मांग यहाँ पर जोर पकड़ती जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या मार्च महीने से पहले इसे खोला जाएगा या नहीं, क्योंकि अप्रैल महीने में इस रास्ते को खोला जाता है। फिलहाल इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जब शुरू हो जाता है इसलिए रास्ते को बंद किया जाता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात आपको ये बताते चले कि कश्मीर का ये वैकल्पिक मार्ग है, जिसमें अगर कोई बीमार हो जाता है तो इसी रास्ते से जाता है, सामान यहाँ से ले जाया जाता है। भारी हिमपात से 29 दिसंबर से ही यहाँ पर कश्मीर का ये वैकल्पिक मार्ग जो है वो बंद है, और किश्तवाड़ सिंथन सड़क मार्ग को इसी महीने खोलने की मुहिम लगातार तेज हो गई है, क्योंकि ये मांग उठ रही थी आम लोगों की तरफ से कि इस रास्ते को खोला जाए। अब प्रशासनिक अमला वहां पर डटा हुआ है, एजेंसीज वहां पर काम कर रही हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या अप्रैल महीने से पहले ये रास्ता खुल जाएगा या नहीं। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फ को हटाने का काम यहां पर शुरू हो चुका है, मशीनरी वहां पर लगाई गई है, लेकिन अब सवाल यहां पर ये है कि क्या वाकई में इस रास्ते को साफ करके खोल दिया जाएगा, अप्रैल महीने से पहले से खोला जाएगा कि नहीं। अजय शान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से तस्वीरें भी दिख रही हैं, प्रशासनिक अमला पूरी तरह से डटा हुआ है, एजेंसीज काम कर रही हैं वहां पर, क्या लगता है कि अप्रैल महीने से पहले इस रास्ते को खोल दिया जाएगा जिस तरह से मांग उठ रही है? जी बिल्कुल आशा, देखिए इस बार एक इतिहास रचा गया था, सिंथन टापू से जो मार्ग जाता है किश्तवाड़ सिंथन अंतनाग मार्ग, वहां पर दिसंबर महीने में बर्फ हटा के यातायात के लिए खोल दिया गया था, क्योंकि इस बार हिमपात उतना नहीं हुआ दिसंबर महीने में, जिस वजह से ये सफल
प्रोग्राम हो पाया कि रास्ते को ओपन कर दिया जाए, लेकिन जब लास्ट के हफ्ते में फिर बर्फ पड़ी तो 29 दिसंबर से फिर इस रास्ते में जो है वाहनों की आवाजाही बंद है। अब जैसे हम विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि वहां पर बर्फ हटाने का काम चल रहा है, NHADSL जो एजेंसी है वो इसमें जुटी हुई है, इस बार स्पेशली स्नो कटर्स लगाए गए हैं और प्रयास ये किए जा रहे हैं कि इसको जैसे मौसम साफ होता है रास्ते को खोल दिया जाए। जो हमारे सूत्र कंफर्म कर रहे हैं बर्फ हटाने का काम करीब करीब कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो फिसलन है जो कोरा लगता है क्योंकि शून्य से नीचे तापमान जा रहा है, कोरा लग रहा है जिसके लिए नमक जैसी चीजें डालनी जरूरत पड़ती है, और जो ग्लेशियर प्रोन एरिया है उसकी सेफ्टी को लेकर अभी कंसर्न है। जैसे ही ये चीजें सॉर्ट आउट होती हैं तो ट्रैफिक को अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से फोरकास्ट आगे चल रहा है कि आने वाले दिनों में फिर इस एरिया में हिमपात हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इस रास्ते के खुलने को लेकर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन प्रयास यही किए जा रहे हैं कि जैसे आपने भी कहा कि मशीनरी और प्रशासन जो है पूरी तरह से सतर्क है, एक्टिवेटेड है, और जो काम है वो तेजी से चल रहा है। हो सकता है कि इस बार वो जो रिकॉर्ड था वो बनाया जाए कि जनवरी में भी सिंथन टॉप से यातायात, लेकिन अजय सवाल यहाँ पर ये है कि रिकॉर्ड बनाते बनाते कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसा वहां पर हो, क्योंकि जिस तरह आप खुद भी कह रहे हैं कि फिसलन है रास्ते पर, तो पूरी तरह से पहले चेक करने की जरूरत है, एक मॉक ड्रिल करने की जरूरत है और उसके बाद इस पर यातायात को बहाल करने की जरूरत है। जी बिल्कुल आशा, देखिए इसी का मेन कंसर्न यही है, जैसे पहले भी दिसंबर में रास्ता खोला गया था तो तब सुबह 9:30 बजे से 2 बजे तक गाड़ियों को आने की इजाजत थी, लेकिन जैसे जैसे कंडीशन टफ होती गई सुबह 10 से 12 ही अलाउ कर दिया गया, उसके बाद वो यातायात बंद कर दिया गया। जैसे फिसलन के कारण एक मेन कारण है हादसे हो सकते हैं, वो जो ग्लेशियर थोड़े वहां आते हैं कुछ नालों में तो उसको देखकर अभी यातायात को अलर्ट नहीं किया जा रहा है। रिकॉर्ड बनाना जैसे आपने कहा एक तो है, लेकिन लोगों की सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी पर रखी गई है, जिस वजह से अभी डिसीजन गाड़ियों को छोड़ने का नहीं लिया जा रहा है, लेकिन प्रयास ये किए जा रहे हैं कि रास्ता को खुला रखा जाए इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जुड़ने के लिए। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए यहाँ पर आम जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इस पर भी गौर फरमाया जाना चाहिए और पहले पूरी तरह से चेक लगाया जाना चाहिए, उसके बाद ही इस रास्ते को बहाल होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रामबन ये चलते हैं और रामबन से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से वहां पर भी काम चल रहा है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए कितना फायदा आम जनता को। तो रामबन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की रोजी रोटी छिन गई है और नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य यहां पर अब बड़ी परेशानी बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन पर कई तरह के सवाल या निशान लग रहे हैं और वैकल्पिक व्यवस्था न बनाने का भी यहां पर आरोप लगा दिया गया है और प्रदर्शन देखा गया है। आपको ये बताते चले कि आम जनता अब कहीं ना कहीं रोष में है और जिस तरह से नए बस स्टैंड का निर्माण करने की बात कही गई थी, लेकिन ये बस स्टैंड अब रोजी रोटी आप देखिए किस तरह से छीनता हुआ नजर आ रहा है, बड़ी परेशानी यहां पर बन चुकी है। रामबन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की रोजी रोटी छिन गई है और प्रशासन पर यहां बस स्टैंड से निकालने का आरोप लगा दिया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था न करने के आरोप में यहां पर प्रदर्शन किया गया है और प्रदर्शन के साथ साथ आम लोग किस तरह से आप देखिए परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं वो आपके सामने है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये धरना प्रदर्शन यहां पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य ये परेशानी बन चुका है। प्रशासन पर नए बस स्टैंड का यहाँ काम जो है वो शुरू किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये परेशानी बन गया है। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, जरा पूरा मामला समझाइए और किस तरह से वहां पर कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो आज टेस्ट हुआ है रामबन के अंदर, ये वो लोग हैं जो बस स्टैंड रामबन के अंदर अपनी रेहड़ियां दुकानें लगाए करते हैं। लगभग 150 के करीब ये लोग हैं वहां पर, कुछ बतौर हेल्पर, कुछ बतौर मालिक वहां पे काम कर रहे थे, वहां पे खाने पीने की तमाम चीजें आपके आइटम्स की या फिर रेडीमेड गार्मेंट्स की बात करें तमाम चीजें आपको बस स्टैंड तक मिल जाती थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन लोगों ने लोन भी लिया है, जहां हम अगर देखें, क्योंकि जब हम इस पड़ाव पर देखते हैं, एक तरफ हम देखें कि वहां रामबन के अंदर इसलिए लोगों को बाहर निकाला गया है, यहां पे मल्टी जो हमारा बस स्टैंड है वो बनेगा, लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से ये काम, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। लेकिन इस पे अगर हम देखें कि एक तरफ लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये राहत देकर आई है बात की नहीं, जनाब हमारे यहाँ राहत मिलेगी बस स्टैंड के अंदर, लेकिन ये कब होगा जब काम कंप्लीट होगा। लेकिन उससे पहले एक पार्ट हमारे पास ये भी है, जिन लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया और उनका यही मानना है कि हमने लोन लिया होता है, बिजनेस कर रहे थे यहाँ पर, अपने जो भी परिवार थे उनका पेट पालते थे, लेकिन आज की डेट में विदाउट नोटिस हमें निकाला गया। जब से बात माना था कि हमें कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया, हालांकि हमने कहीं हमारी जांचने की कोशिश की गई कि जनाब बताए हमें क्या करना है, और साफ बता दिया कि जब आप वहां से हटाना होगा तो आप बता देंगे, लेकिन नोटिस देना चाहिए था। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमने 1-1.5 लाख या 2 लाख रुपए का माल
पर लाया हुआ है, सामान यहाँ पर लाया हुआ है क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है, कुछ लोगों ने विंटर सीजन का जो भी स्टॉक था वो लाया था। लेकिन अब सवाल ये है कि अब वो बेचेंगे कहाँ, क्योंकि बस स्टैंड के अंदर काम लग गया। अभी लोगों की यही डिमांड है कि तो अल्टरनेट उत्पादिल हमें दिया जाता है, पर पहले ही तो हमारा नुकसान होता नहीं। क्या लगता है कि अल्टरनेट पहले क्यों नहीं दिया गया है इन लोगों को और उसके बाद काम क्यों नहीं शुरू किया गया? जी बिल्कुल, देखिए अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, आशा अभी तो ये लोग बराबर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं और इनका यही मानना है कि जब तक हमें कम्प्लीटली बता नहीं दिया जाता, क्योंकि देखिए कुछ गाड़ियों को जहां तक हम बात करें, क्योंकि म्युनिसिपल काउंसिल गुरामन है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, उन तमाम लोगों ने पे देखा है कि लोगों को राहत दिलाने के लिए हम कहीं ना कहीं काम करें, कुछ गाड़ियों को किया जाएगा, वहां पे हमारे पास स्पेस है, कुछ हमारे झूला ब्रिज है उसके आसपास में गाड़ियों को वहां पे लाया जाएगा। इसी तर्ज पर इन लोगों को भी जो बस स्टैंड के अंदर कारोबार कर रहे थे उन लोगों को भी जो है जाने की इजाजत होगी और वहां पर भी कहीं अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हम देख रहे हैं, जहां तक हमें लग रहा है कि आने वाले जो एक हफ्ते या 15 दिन के अंदर जो सिलसिला चलने वाला है, कहीं ना कहीं ये लोग मुतासिर होंगे और इन लोगों की यही डिमांड है कि हमारे बारे में सोचा जाए, क्योंकि हमने दिया है इंस्टॉलमेंट पे करनी है और दिन भर तो हम बस स्टैंड की तरफ का सामान लगाते हैं, लेकिन रात भर हम जब जहाँ सामान रखते हैं पैसे देने के लिए। कुल मिलाकर ये कहें कि इस वक्त ये एक बड़ा पार्ट है जो मुतासिर हो रहा है बस स्टैंड डामर के काम। चलिए, मतलब प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से बस स्टैंड का काम यहाँ पर लगा दिया गया, लेकिन दुकानदारों को काफी परेशानियां यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। जो कारोबार वो कर रहे थे वो कहीं ना कहीं ठप हो गया है, जिसकी वजह से परेशानी के सबब से गुजर रहे हैं और इस पर मंथन करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे। अब जम्मू सूबे के जाने माने पर्यटन स्थल पत्नीटॉप में ही देश भर के पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है और रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पत्नीटॉप, नत्थाटॉप और सनासर पहुंचकर वहां की कुदरती नजारों का आनंद ले रहे हैं। तो पत्नीटॉप विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठाकुर शेर सिंह ने यहां पर्यटकों से मुलाकात कर उन्हें दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और ठाकुर शेर सिंह ने बताया है कि रोजाना 10,000 पर्यटक पत्नीटॉप, नत्थाटॉप और सनासर पहुंच रहे हैं और सरकार उन्हें हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। तो पत्नीटॉप के ही खूबसूरत नजारों से पर्यटकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि पत्नीटॉप, नत्थाटॉप, सनासर और गिरदोनवा में टूरिस्ट का काफ़ी रश है। तकरीबन 5,000 से 10,000 के बीच में टूरिस्ट जो है वो डेली विजिट कर रहे हैं डेस्टिनेशन को। रीज़न यहाँ का वेदर, बर्फ जो अभी भी अवेलेबल है सनासर के आसपास, नत्थाटॉप के आसपास, उसको देखने के लिए टूरिस्ट आ रहे हैं। और आपके माध्यम से भी मैं अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओ, विज़िट करो, यहाँ के नज़ारों को देखो, इन्जॉय करो। टूरिस्टों को मैं बोलता हूँ कि आप बाहर निकलिए, ये जन्नत है, जन्नत का नज़ारा लीजिए। मरने के बाद में पता नहीं जन्नत जाओगे नहीं जाओगे, लेकिन यहाँ जीते जी ये जन्नत में आ जाओ, एंजॉय करो। ये जम्मू कश्मीर की धरती है, बड़ी प्यारी धरती है। तुराया जगती रिंग रोड के ही निर्माण से मढ़ ब्लॉक के लोगों में खुशी के साथ साथ मायूसी भी है और लोगों के मुताबिक यह रिंग रोड उनके लिए वरदान साबित हो रही है, लेकिन सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में मढ़ ब्लॉक के ही लोगों को रोजगार मुहैया करवाने का वादा किया गया था, जो पूरा नहीं किया गया है। लोगों की माने तो सरकार ने 60% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि मात्र 5% लोगों को ही इस परियोजना में काम मिल पा रहा है। तो यहाँ जो काम मिलना चाहिए था, कम से कोई 30-40% हमारे लोग लगने चाहिए थे, बेरोजगार बच्चे जो हैं, लेकिन ये इन्होंने कोई 5% तक ही ऑब्जर्व किए हमारे बच्चे। तो ये हमें, बाकी रोड की हमें बड़ी खुशी है, बना है तो ये बड़ा अच्छा है। थोड़ी नाखुशी भी है हमें इस बात की कि जो जितना हमें काम मिलना चाहिए था, हमारे इंजीनियर जो हैं बेरोजगार हैं यहाँ पर, उनको भी तो काम मिलना चाहिए था, और साथ में हमारे जो नौजवान लड़के हैं जिनको कोई काम नहीं है, पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिला, कम से कम 30-40% रोज़गार मिलना चाहिए था इनको, जो कि बाहर के लोग आके कर रहे हैं यहाँ। हाँ, ये हमें थोड़ी नाखुशी है। रिंग रोड बनने के कारण बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो और राय मोड़ से लेके जट्टी तक रोड बन रहा है और इसके बहुत फ़ायदे हैं, और लोकल लोग जैसे राय मोड़ में रखे गए हैं, और जट्टी से जैसे कैंप 2 है बलवाल ब्लॉक में, उधर के भी लोकल लोग कुछ रखे गए हैं, कोमनासा के लोग भी रखे गए हैं, बहुत फ़ायदा हो रहा है। और जहां तक गवर्नमेंट का कहना है, मतलब 60% लोकल लोग रखने चाहिए, उस चीज़ को थोड़ी नाराज़गी है, वो पूरा किया नहीं उन्होंने, रखे नहीं।
बाकी प्रोजेक्ट का फायदा है लोकल लोगों को, मतलब रोजगार मिला। तो सड़क की खस्ता हालत को लेकर जम्मू के ही सत्वारी ब्लॉक में आप देखिए लोगों की किस तरह से परेशानी देखने को मिली है। लोगों में काफी रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क में जगह जगह पर गड्ढे पड़ चुके हैं। ये ख्वास का इलाका है जिसका आप देखिए किस तरह से खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। रोड की व्यवस्था नहीं है, चलना फिरना यहाँ मुश्किल हो गया है। उन्होंने संबंधित विभाग को इसका संज्ञान लेकर मरम्मत करने के लिए भी मांग की है। साड़ा जिहड़ा रोड है मराली अड्डा बंगले तू बिले खवासकां तक, ये अज तू 3-4 साल पहले इत्थे लुक पई ही और अधी अधी इंची कोलों भी घट लुक पई ही। वो महीना भी नहीं चली और रुकड़ी गई। तो अस ये चाहते हैं कि अगर होर लोगों के पिंड सारे लुक पैंड दी है, साढ़े पिंड भी लुक पई जाए और साढ़ा पिंड भी जिहड़ा सड़क तोड़ शहर कन्नै जुड़ी जाए। ये महाराज साड़ी डिमांड है, ये कवासके तो लगे कवासके कलोनी बाया कलोनी कवासके ते डाक मंगले तक लुक पानी चाहिए है। 5-6 साल हुई है पहला बिच कविंदर गुप्ता साहब ने रोड बनवाया लुक पवाई ही, उसके बाद कुछ ने नहीं पुछगिछ की। तो एक समय था जब सुरनकोट के ही लोगों को इलाज के लिए जम्मू या फिर दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब सुरनकोट की जनता को अपने उपजिला अस्पताल में ही बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं और इन सुविधाओं को पाकर वे बेहद खुश हैं। तो अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीजों का इन सुविधाओं को लेकर क्या कुछ कहना था, देखिए सर। ये तस्वीरें सुरनकोट के उपजिला अस्पताल की है। एक समय था जब इस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर स्थानीय लोगों की हमेशा शिकायत रहती थी और स्थानीय लोग इलाज के लिए जम्मू या फिर दूसरी जगहों का रुख करने को मजबूर होना पड़ता था। इधर जो है जो के जम्मू जाना पड़ता था, इस वजह से आज हम इधर, हमें बहुत सहूलत है। इधर अगर ऑपरेशन होता है तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है। सुरनकोट का ही रहने वाला हूँ। यहाँ पहले हमारे यहाँ सुरनकोट में हॉस्पिटल की थोड़ी खस्ता हालत थी। आप यहाँ पे नए डीएमओ साहब तैनात हो चुके हैं। यहाँ पे आते ही उन्होंने यहाँ पे एक मैसेज किया कि यहाँ पे सब लोगों के ऑपरेशन किए जाते हैं। लोगों को दूर जाना पड़ता था, इसलिए जहाँ डीएमओ साहब आए हैं उनके आने से हमारे यहाँ लोगों को यहाँ दूर जाने की कोई वो समस्या नहीं है। आप सुरनकोट में ही उन्होंने ऑपरेशन करवाने शुरू कर दिए। पहले हम जम्मू और पुंछ जाते थे, लेकिन आज इधर सब कुछ सुरनकोट में। स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ जिन मरीजों का आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होता, अस्पताल प्रशासन की ओर से उन मरीजों का अस्पताल में ही कार्ड बनाया जाता है ताकि उन्हें मुफ्त इलाज हो सके। अब उनके आने की वजह से हमारे यहाँ हॉस्पिटल की लोगों को दूर जाना पड़ता था, इसलिए जहाँ भी एमओ साहब आए हैं उनके आने से हमारे यहाँ लोगों को यहाँ दूर जाने की कोई वो समस्या नहीं है। आप सुरनकोट में ही उन्होंने ऑपरेशन करवाने शुरू कर दिए। हमें सीएमओ साहब से मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ फौरन यहाँ बीएमओ को तैनात किया तो हमारे सुरनकोट में लोगों को सहूलियत अच्छी फराहम हुई है। हाँ जी बिल्कुल, गोल्डन कार्ड पे हम फ्री ऑपरेशन करते हैं। जिनके पास नहीं होता हम अब उनका इधर ही बनवा के तुरंत गोल्डन कार्ड बनवाते हैं और उसके बाद उसको ऑपरेट करते हैं। मामूली बीमारी के साथ साथ अब इस अस्पताल में गंभीर बीमारियों का इलाज भी किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन भी किए जाएंगे। हुआ मेरा, मैं बफराज का रहने वाला हूँ, इधर सुरनकोट हॉस्पिटल में हुआ है। मेरा आज ये पित्ते का ऑपरेशन था, पथरी थी उसका ऑपरेशन हुआ है। तो मैं जम्मू आज भी इधर तो हमने ऑपरेशन इधर ही हुआ, दवाई शवाई भी मिली है इधर, फ्री मिली है इधर। अगर दिसंबर महीने की बात करें तो इस अस्पताल में बढ़ती विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों के 36 ऑपरेशन किए गए और ये सिलसिला जारी है। इसके अलावा मरीजों को मुफ्त दवा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इस महीने में हमने 36 ऑपरेशन किए हैं, जिसमें 3 हमने सीजरिन सेक्शन किए हैं और 33 दूसरी सर्जरी के, जिसमें गॉल ब्लैडर आता है, अपेंडिक्स का आता है, हेमोराइड के ऑपरेशन आते हैं। मैं लोगों के बेहतरी के लिए चाहूंगा, उनको यही मैसेज देता हूं कि जहां पे आए और डॉक्टर साहब से पूरा ट्रीटमेंट लेके हम उनको अगर ऑपरेशन की जरूरत होगी हम इधर ही करेंगे, उनको आगे भेजने की कोशिश नहीं करेंगे। जितना भी हो सकेगा हम इधर उनका करेंगे। अस्पताल में हर बीमारी का इलाज उपलब्ध होने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है और लोगों ने स्थानीय बीएमओ और सीएमओ का आभार भी जताया। हमें सीएमओ साहब से मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ फौरन यहाँ बीएमओ को तैनात किया
तो हमारे सुनकोट में लोगों को सहूलियत अच्छी फराहम हुई है। डीएमओ और सीमा का शुक्रिया अदा करते हैं हम, क्योंकि अच्छा इंतजाम रखा है इधर। स्वास्थ्य विभाग के कड़े कदमों और बीएमओ के लगातार प्रयास से उपजिला अस्पताल सुरनकोट की कायाकल्प हुई है। बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से जहां स्थानीय लोगों की डोरस्टेप पर इलाज उपलब्ध हो रहा है, वहीं जम्मू में आने वाले दिनों में जीएमसी अस्पताल पर भी मरीजों का दबाव कम देखने को मिलेगा। सुरनकोट से आकाश मलिक के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज चैनल के साथ।